हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सैम यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। बेसिक इंग्लिश में अभी हम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वर्ड लिखना सीख रहे हैं, वर्ड और वाक्य कैसे बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ए का साउंड जो है वो अ आता है, डबल ए का साउंड आ आता है, आई का साउंड ई। वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड में इनका कैसे यूज होता है, कैसे साउंड होता है, विद एग्जांपल्स। जैसे अ है तो अ का यूज होता है अमेरिका, जैसे यहाँ पे ए जो है वो अ का साउंड कर रहा है, अमेरिका। अमेरिका नहीं होता, अमेरिका होता है, तो यहाँ पे ए का साउंड कर रहा है, ये अ का अ की आवाज निकाल रहा है। इसी तरह से कार, तो डबल ए जो होता है, जो आ होता है वो डबल की आवाज निकालता है, जैसे कि कार। अब कार ऐसे भी लिखा हो या ऐसे लिखा हो, उसको हम बोलते क्या है, कार। तो ये कार होता है, ये अमेरिका होता है, ये अ की आवाज निकालता है और यहाँ पे आ की आवाज निकालता है, कार। इसी तरह से आई, आई जो है ई की आवाज निकालता है, जैसे इंडिया, तो इंडिया में ई की आवाज निकाला है। इसी तरह डबल ई, डबल ई के लिए क्या एग्जांपल है, पील, पील। तो पील में क्या आवाज निकाला, डबल ई का। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिख लीजिए, फील, फील। तो फील में डबल ई का आवाज निकाला, तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगाया जाता है। अब ये जो सब हम सीख रहे हैं ये रिटन में कहीं नहीं है, ये सिर्फ हम अपने पढ़ने के लिए यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश को हम पढ़ लिख सके उसके लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता है। ये सिर्फ एक बोली है जो इंडिया में इंग्लिश को आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसका रिटन कहीं भी कोई चीज सही नहीं है। बस इसको हम यूज करते हैं अपने हिसाब से उसको यूज करने के लिए। तो इसमें कुछ कुछ खामियां भी है और कुछ कुछ, पर ओवरऑल इससे हम फायदा उठा सकते हैं, हम काफी वर्ड सीख सकते हैं। तो वही चीजें आपको इस वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगी कि क्या क्या अलग अलग रूल्स हैं। अब ऊ होता है, तो ऊ में ऊ की आवाज आती है, जैसे पू, प पे ऊ लगा, पू ट, तो पुट, तो इसमें क्या बना, पुट। तो इसे हिंदी में हम हिंदी में लिखते हैं पुट, और इंग्लिश में कैसे बना, पुट। तो अभी हम सिर्फ वर्ड को पढ़ना सीख रहे हैं, लिखना भी सीखेंगे आगे बिल्कुल आराम आराम से। डबल ओ, डबल ओ जो होता है ऊ की आवाज निकालता है, मून। तो इसमें देखिए पुट, पुट में ऊ जो है एकदम से निकल गया, मून, मून लंबा खींच के ले गया। तो यू जो होता है वो एकदम से निकल जाता है छोटी की मात्रा, और डबल ओ जहां पे लगा हो वहां पे ऊ लंबा खींचता है। जैसे एस यू एन, सन, तो सन में एकदम से यू जो ऊ की मात्रा है वो एकदम से निकल गई, सन। और सून, सून में होता है जल्दी, तो सून में ऊ डबल ओ लंबा खींचता है। इसी तरह से री, री के लिए रिंग हो गया, आर आई एन जी, रिंग। तो री के लिए मैं सेपरेट वीडियो आगे बताऊंगा आपको, तो आगे वीडियो देखते रहे और आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, तो वीडियोज देखते रहे। ई है वो ए का साउंड करता है, आप कैसे, बी ए के ई, बेक, ए ए, ए का साउंड करा इसने लास्ट में, बे ए, बेक, बेक, ये क्या करा, ए का साउंड करा। आई, आई, एक्टर, तो यहाँ पे ए की आवाज निकाली, ए, एक्टर, एक्टर, बेक, बेक और एक्टर। ओ, ओ जो है ओ की आवाज निकालता है, जैसे गो। हमारा औ है वो ए यू औ की भी आवाज निकालता है और ओ यू औ की भी आवाज निकालता है, जैसे काउ, काउ, काउंट, काउंट, काउंट का मतलब गिनना, तो यहाँ पे काउंट, काउंट में औ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से के में देख लेते हैं, मिल, क, ये किसका आवाज निकाला, क, मिल्क, तो ये के की, क की आवाज निकाला। ख, ख में खेबर, खेबर में किसकी आवाज निकाला, ख की आवाज निकाला। ग, ग में गॉड, गॉड, गॉड में क्या निकाला, जी की, ग की आवाज निकाला। घ, घ में घोस्ट, घोस्ट में किसकी आवाज निकाला, इसमें घ की, तो घ और घो, घो, तो घोस्ट बन गया हमारा। अंग, अंग किसकी आवाज निकालता है, ब्रिंग, इंग, इंग, जैसे हम इंग लिखे खाली, अगर किसी शब्द के लास्ट में इंग लगा हो तो वो किसकी आवाज निकालता है, इंग की, ब्रिंग। जैसे प्लेइंग है, तो प्ले एक शब्द है उसमें आईएनजी लग गया तो प्लेइंग बन जाता है, तो इसी तरह से आसान हो जाएगा जिसमें आईएनजी हो, तो वो वर्ड भी आप आराम से पढ़ सकते हैं उन्हें तोड़ के, तो ब्रिंग क्लियर हो गया। अब छ के लिए सी एच होता है, छ के लिए सी डबल एच होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ साउंड बता रहा हूँ, जैसे ये चम, तो चम में किसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पे च की आवाज आती है सी एच के लिए। छ, जो छ होता है जब हम कोई साउंड, अब इसका जो है इंग्लिश में कोई साउंड नहीं होता है, इसको ब्रीथ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे छी, छ, छी, ऐसे साउंड इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से ठ, ऐसे करके इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे करके ब्रीथ में इस्तेमाल होता है, वैसे साउंड में कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। और झ जो है इसका भी कोई पर्टिकुलर इंग्लिश में वर्ड नहीं मिला। अब ये ज है, ज का इस्तेमाल पता ही है, जग में होता है, जैसे यहाँ पे ज की आवाज निकालता है ये जग। इसी तरह से ज, ज, अब जैसे यहाँ पड़ता है हिंज, हिंज में ये क्या आया, इसका साउंड आया हिंज। अब इसी तरह से ट, ट जो होता है कैसे आवाज निकालता है, सी यू टी, कट, तो ये कैसे आवाज निकाला,
कट, तो कट में टी जो है वो ट का साउंड निकालता है। थ, ब्रीथ, ब्रीथ में क्या होता है, जैसे ब्रीथ है यहाँ पे, तो ये जो टी एच है हमारा, ये किसका साउंड निकालता है, थ का, ब्रीथ। अब ड का साउंड जो है डी निकालता है, जैसे रेड, तो यहाँ पे ड की आवाज निकालता है। ढ, ढ के लिए जैसे अधेर, अधेरे, अधेरे, अधेरे के लिए किसकी आवाज निकालता है, ध के लिए। अब ये डी एच ध जो होता है, और ये डी एच ध, इसका अंतर भी आपको बताऊंगा मैं। अण, अण के लिए बैंड, बैंड, बैंड में न, न जो है वो अण के लिए यूज किया जाता है। अण के लिए, न के लिए, ज्ञ के लिए, अंग के लिए एन ही यूज होता है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब यहाँ पे ट और त की लाइन में अंतर देख लेते हैं। देखिए ट, ट जब हम बोलते हैं तो थोड़ा जोर से आता है, जब त, त बोलते हैं थोड़ा सॉफ्ट होता है, ट, ट में ज्यादा जान लगती है, थोड़ा हार्ड साउंड आता है, त जब बोलते हैं तो हल्का साउंड आता है। इसी तरह से ठ, ठ में ज्यादा साउंड आता है, थ, थ में आराम से। ड, और यहाँ द, ड जो है थोड़ा बड़ा साउंड करता है, और द जो है बिल्कुल हल्का साउंड करता है, ढ जो है थोड़ा हार्ड साउंड करता है, ध जो है वो बिल्कुल आराम से साउंड करता है, अण थोड़ा जोर से साउंड करता है, गण, और न जो है थोड़ा आराम से साउंड करता है, जैसे गण, तो न जो है और गण, तो ये थोड़ा हार्ड साउंड करता है। ये सभी जो होते हैं थोड़े हार्ड साउंड करते हैं, और ये सभी जो होते हैं थोड़े सॉफ्ट साउंड करते हैं, दोनों का आवाज एक ही तरह से निकलता है। अब जैसे त का पता चल गया, थंडर, तो थंडर में क्या होता है, यहाँ पे थंडर में थ आता है, और थंडर और ब्रीथ, ब्रीथ में थोड़ा अंतर है, यहाँ भी थ का साउंड आता है, थ का और थ का दोनों का साउंड आता है। ये जब आप पढ़ेंगे तब अपने समझ में आ जाएगा, जब हम बिल्कुल ऐसे इंग्लिश लिखते हैं तो इन सब, इन सारे शब्दों के हिसाब से हम नहीं पढ़ते, वो जब हम प्रोनाउंशिएट करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो अपने आप हमें वो समझ में आ जाता है कि कहाँ पे ठ आएगा और कहाँ पे थ आएगा, और थ के हिसाब से हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं। द, हम सांस, जब हम सांस लिखेंगे तब हम वहां पे ब्रीथ लिखेंगे। ध, ध के लिए कहाँ था हमारा, थ, थ हो गया। द के लिए था हमारा अदर, तो यहाँ पे द जो है, जो द है वो द की भी आवाज निकालता है और टी एच की भी आवाज निकालता है, जैसे अदर, अदर के लिए यहाँ पे द की आवाज निकालता है, अदर, तो ये अदर अथर नहीं है, अथर नहीं है, अदर है, तो यहाँ पे द की आवाज निकालता है। ये इसी तरह से जब आप रीडिंग करेंगे, अब आप सोचेंगे कि ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपने रीडिंग करी है। यदि आप रीडिंग करेंगे तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी करने से, जब आप अभ्यास करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो अपने आप सब चीजें, इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आता रहेगा। अब इसी तरह से ध है, तो ध का साउंड कैसे आता है, जैसे बुद्धा, बुद्धा लिखा हो तो बुद्धा में ध का साउंड आता है। न, न का आता है मैन, मैन में जैसे न के लिए आता है, अब मैन नहीं होता, मैन लिखेंगे तब भी इंग्लिश में न ही होगा, अब हिंदी टू इंग्लिश है इसलिए इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। अब प, प के लिए क्या यूज होता है, प के लिए कैसे यूज होता है, जैसे कप, तो कप में प जो होता है वो प का साउंड करता है। फ, फ में फोटो, फोटो में पी एच जो होता है वो फ का साउंड करता है, और फोटो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, पर मैंने आपको पहले ही बताया है रिटर्न में यूज नहीं होता, जो भी चीजें अभी हम सीख रहे हैं वो रिटर्न में यूज नहीं होता है, इंग्लिश रिटर्न में, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। रब, तो रब में यहाँ ब का साउंड आ रहा है, भ, अभोरे, अभोरे में बी एच से भ का साउंड आ रहा है। म, म में मग, मग में हमारा एम जो है वो म की आवाज निकाल रहा है, और बहुत सारे जैसे मैन, मैन में भी हमारा एम जो है वो म की आवाज निकालता है। तो यहाँ पे सिर्फ साउंड बताने के लिए, और ये थोड़ा एडवांस हो गया कर करके, ये बेसिक लर्नर को थोड़ी दिक्कत होगी, पर आशा है यदि आपने पहले मेरी केजी वाली प्लेलिस्ट देखी है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और यदि ये वीडियो थोड़ी हार्ड लगे जो बेसिक लर्नर है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले की वीडियोज बनी हुई है, उन वीडियोज को देखिए। तो ये सेकेंड वीडियो थी इस सीरीज की, आगे य की, य की, और जो जो मिले हुए लेटर होते हैं जैसे स्म, तो इन सब की अगली वीडियो में आएगी, जो ये डिफिकल्ट वर्ड होती है, तो डिफिकल्ट वर्ड के लिए जो ज्वाइंट लेटर होते हैं आधे लेटर के लिए स्पेशल वीडियो आएगी, जो अगली वीडियो होगी। तो इसी तरह अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और आसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अलॉट।